है ऑब्जर्व द नंबर व्हाट डू यू नोटिस आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और देखिए कि क्या आप नोटिस कर रहे हैं तो जो भी रेड कलर से लिखा है वो सब नानी माले लिखा है बाकी सारा पैलेसिस में फिल था तो इस मैजिक बॉक्स की एक खासियत ये है कि जो भी लाइंस है चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले लो या वर्टिकल इनका टोटल साइड में लिखा हुआ है जैसे फाइव प्लस टू प्लस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन थ्री प्लस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन नाइन प्लस फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी ऐसे आप ऊपर से नीचे करेंगे फाइव थ्री और नाइन तो सेवेंटीन आ जाएगा टू वन एंड फोर तो सेवन आ जाएगा तो एट सिक्स और दोनों लाइन जो बाहर लिखी हुई है नीचे वाली 17, 7 और 21, दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा ओके? नाउ वट इज से बॉक्सिस बिलो इन ईच पजल ऑल नंबर वन नाइन आर देयर द नंबर इन ईच रो एड अप द नंबर इन द बॉक्स ऑन द राइट एंड नंबर इन ईच कॉलम एड अप टू द नंबर इन द बॉक्स नीचे के तीनों बॉक्स को फिल करना है इसमें अगर हम हॉरिजोंटल जाएंगे तो रेड बॉक्स में जो नंबर है वो टोटल है और अगर वर्टिकल जाएंगे तो जो नीचे ब्लू बॉक्स में नंबर है वो टोटल होना चाहिए जैसा कि अभी हमने देखा फिर क्या है

ओके okay, अब इधर थ्री हो गया नीचे वन दिया हुआ है और टोटल कितना इलेवन तो थ्री और वन होता है फोर, फोर में कितना एड करेंगे तो इलेवन आएगा सेवन ठीक है ये भी लाइन कंप्लीट हो गई अब यहाँ पर देख सकते हैं फोर दिया हुआ है टोटल इस साइड है सेवन सो तो फोर और वन होता है फाइव फाइव में कितना ऐड करेंगे तो सेवन आएगा टू तो हमने टू लिख दिया अब ऊपर है फाइव नीचे है टू है ना तो फाइव और टू होता है सेवन लेकिन टोटल तो है सिक्सटीन तो कितना ऐड करेंगे नाइन और ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटीन अब सिर्फ एक बॉक्स खाली रह गया है इसमें ऊपर हमें एट दिया हुआ है और नीचे फोर दिया हुआ है तो एट और फोर होता है ट्वेल्व लेकिन टोटल नीचे कितना है एटीन तो ट्वेल्व में क्या ऐड करेंगे तो एटीन आएगा सिक्स ऐड करेंगे तो ये सही है कि नहीं जो हमने नंबर्स बनाए हैं इसको हम चेक भी कर सकते हैं तो सेंटर में जो लाइन है सेवन नाइन और सिक्स इनको हम टोटल करेंगे तो आंसर आता है ट्वेंटी टू जो कि यहाँ रेड में हमें टोटल दिया हुआ है इसका मतलब ये सभी टोटल सही है और आप तीनों रेड वाले 16, 22 और 7 को ऐड करेंगे तो भी 45 आएगा और 11, 16 और 18 को ऐड करेंगे तो भी 45 आएगा ओके नेक्स्ट ऐसे ही ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिस प्रिंट है यहाँ पर एक नंबर गलत लिखा हुआ है मैं आपको सही करके दिखाऊंगी देखिए जैसे यहाँ फोर लिखा है और सेवन लिखा है तो फोर और सेवन का सम कितना होता है इलेवन इलेवन में हम कितना जोड़ेंगे तो एटीन आएगा क्योंकि एटीन आना चाहिए तो सेवन जोड़ेंगे लेकिन हम सेवन यहाँ नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि नाइन बॉक्सेस है हमें वन से लेके नाइन तक सारे नंबर इसमें लाने हैं सेवन तो ऑलरेडी दिया हुआ है दूसरा सेवन लिख देंगे तो फिर एक नंबर कहाँ लिखेंगे है ना इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है इसको सही कर लेते हैं फोर जो लिखा है इसकी जगह अगर हम नाइन कर देते हैं तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कैसे चलिए देखते हैं तो बीच में तीनों नंबर है थ्री फाइव एंड सेवन इसका टोटल आ गया फिफ्टीन इधर हमें दिया हुआ है नाइन तो नाइन और सेवन कितना होता है सिक्सटीन होता है हमें टोटल कितना लाना है एटीन तो सिक्सटीन में टू एड करेंगे तो आ जाएगा एटीन ओके अब यहाँ पर टोटल है हमारा फिफ्टीन तो बीच में फाइव है फाइव में और क्या ऐड करेंगे तो फिफ्टीन आएगा टेन ऐड करेंगे है ना तो कौन सा नंबर है दो जो लिखे तो टेन आ जाए तो सिक्स और फोर मैं लिख देती हूं तो सिक्स और फोर टेन और फाइव फिफ्टीन आ जाएगा इधर, टू और फोर कितना हो जाता है सिक्स और नीचे टोटल है सेवन तो वन बच गया वो ऊपर लिख देंगे ऐसे ही इस साइड नाइन और सिक्स होता है 15. 15 में हम कितना ऐड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री आएगा एट ऐड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं को यहाँ पर सिक्स और नाइन हमें दिया हुआ है टोटल कितना होता है फिफ्टीन होता है नीचे टोटल कितना है ट्वेंटी थ्री है तो एट और ऐड कर देंगे तो ट्वेंटी थ्री आ जाएगा यहां तक क्लियर है अब बीच में 9 तक नंबर तो और, तो कौन -कौन और लाने हैं बॉक्सेस में तो कैसे करेंगे आगे अब देखो अब सबसे ऊपर हम देखते हैं टेन टेन हमें टोटल दिया है तो एक बॉक्स में सिक्स है सिक्स में कितना ऐड करेंगे तो टेन आएगा फोर ऐड करेंगे तो अगर मैं फोर लिख देती हूँ एक ही बॉक्स में तो ये तो एक बॉक्स खाली रह जाएगा है ना तो वन और थ्री लिख देंगे वन थ्री कितना होता है फोर एंड सिक्स टेन ठीक है ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट देख लेते हैं नाइनटीन है तो नाइनटीन में एट हमें दिया हुआ है एट में क्या ऐड करेंगे तो नाइनटीन आएगा इलेवन तो इलेवन के लिए हमें दो नंबर लिखने पड़ेंगे सेवन और फोर सेवन और फोर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इलेवन और प्लस एट आ जाएगा 19. अब लास्ट बच गए दो नंबर बचे हमारे पास 5 और 2, तो वो हम जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ओके नेक्स्ट देखो यहाँ क्या कह रहा है एट द नंबर्स इन द ब्लू बॉक्सेज एंड नंबर्स इन द रेड बॉक्सेज इन ईच ऑफ द पजल्स वॉट डू यू फाइंड हमने देखा कि दोनों तरफ का टोटल कितना आता है 45 आता है ओके नाउ नानी मा वॉज डूइंग समथिंग इन द न्यूज पेपर नंदनी एंड चिराग लुक इन टू वॉट शी वॉज डूइंग न्यूज में इस तरीके का एक पजल दिया हुआ है अब नंदनी कहती है नानी मा वॉट इज मैजिकल अबाउट द स्क्वायर इस स्क्वायर में ऐसा क्या है जादुई चीज तो नानी माँ एक पोयम के through इसको समझाती है मैजिक 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 डिड यू फाइंड द मैजिक नानी माँ कहती है कि एक ऐसा जादुई डिब्बा है या स्क्वायर है जिसमे वन से लेके नाइन तक नंबर है देख सकते हैं आप अब वो कहती हैं कि टॉप से बॉटम काउंट करो जैसे टू नाइन और फोर को ऐड किया तो फिफ्टीन आ जाएगा फिर सेवन फाइव और थ्री को ऐड किया तो भी आ फिफ्टी एट सिक्स से नीचे तक ऐड किया तो सबका टोटल आ रहा है फिफ्टीन अब कह रही है की लेफ्ट से राइट यानी टू सेवन और सिक्स को ऐड किया तो भी फिफ्टीन आएगा नाइन फाइव और वन को ऐड किया तो भी फिफ्टीन आएगा फोर थ्री एट भी फिफ्टीन होता है किसी भी तरीके से आप ऐड करेंगे तो टोटल फिफ्टीन नहीं आएगा तो ये जादुई चीज है देयर इज समथिंग मोर समथिंग मोर ऐड द नंबर्स ऑन द डायगोनल इजंट इट मैजिकल अब कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे से और साइड में तो हमने काउंट कर लिया अब डायगोनली भी काउंट अगर करोगे तो नंबर 15 ही टोटल आएगा डायगोनली मतलब क्रॉस में जैसे 4 5 और 6 को ऐड किया तो भी 15 आएगा 2 5 और 8 को ऐड किया तो भी 15 आएगा ओके okay, तो इसीलिए इसको मैजिकल बॉक्स कहा जाता है अब फिल द ब्लैंक टू कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर एक स्क्वायर दिया हुआ है इसे हमें कंप्लीट करना है तो वन से नाइन तक सारे नंबर आने चाहिए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे अब कितने नंबर होते हैं वन टू थ्री नहीं है क्यों क्योंकि थ्री ऑलरेडी दिया हुआ है फिर फोर फाइव सिक्स नहीं है सिक्स दिया हुआ है फिर सेवन एट और नाइन नहीं है क्योंकि नाइन दिया हुआ है अब ये जो नंबर हैं जो मैंने रेड कलर से लिखे हैं ये इनमें फिल करने हैं ठीक है सबसे पहले हम ये बीच वाली लाइन देखते हैं टोटल कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए चाहिए तो नाइन में हम क्या ऐड करेंगे तो फिफ्टीन आएगा सिक्स लेकिन सिक्स तो यहाँ ऑलरेडी है तो दो नंबर ऐसे कोई बताओ जिसको हम ऐड करें तो सिक्स आएगा तो मैंने यहाँ फाइव और वन लिख दिया वन और फाइव कितना होता है सिक्स होता है तो टोटल आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है तो हमें फाइव भी मिल गया और वन भी मिल गया अब इस वाली लाइन में देखो सिक्स और वन हो गया सेवन अब सेवन में क्या ऐड करें तो फिफ्टीन आएगा तो एट ऐड करेंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है फिर इस लाइन में एट और थ्री हो गया हमारे पास ये होता है इलेवन इलेवन में फोर ऐड करेंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा अब इस लाइन में हमारे पास फोर और नाइन हो गया तो ये होता है थर्टीन थर्टीन में टू ऐड करेंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा ओके अब लास्ट बच गया सिक्स और टू होता है एट एट में हम सेवन ऐड करेंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा तो इस तरीके से इस बॉक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानी माज फील्ड नानी माँ हैज टू फील्ड नंदनी और चिराग दोनों नानी माँ के खेत देखने जाते हैं उनके पास दो खेत हैं जिसमें उन्होंने व्हाइट और ज कलर की रेडिश जो है वो उगा रखी है या रेड कलर की नानी मा हेल्ड हाउ मेनी टोटल कितने थर्टी सिक्स दोनों का टोटल कितना होगा तो एस्टिमेट यानी अनुमान लगाना है तो ये होगा सिक्सटी वन लेकिन कैसे होगा ये हम आगे सीखते हैं तो वी नीड टू एड ट्वेंटी एंड थर्टी सिक्स टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेडिश हमें टोटल करने के लिए 25 और 36 का टोटल करना है चिराग ने कैसे किया आई विल एड यूजिंग बंडल्स एंड स्टिक्स चिराग ने जितनी मूली है उसके लिए बंडल्स रख दिए और स्टिक्स रख दिए ठीक है तो ये कितने बंडल रखे 10, 10 के 2, यानी कि 20 एंड 5 ओपन ठीक है तो थर्टी सिक्स वाइट रेडिशेस तो कितने हो गए टोटल टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड इसके बाद ये सारे सिंगल्स काउंट करो फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन

थर्टी ऐड करो टेन टेन एंड टेन तो ये हम गए थर्टी फाइव लेकिन हमें कितने करने वन और आएगा यानी कि प्लस वन करेंगे तो आ जाएगा answer, 61. अब क्या रहा फाइंड अदर वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम नंबर लाइन अब हमें यही क्वेश्चन खुद से नंबर लाइन पे करना है तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे किया है और कोशिश करेंगे समझने की तो ये नंबर लाइन है अब इसमें सबसे पहले थर्टी सिक्स मैंने ले लिया तो थर्टी फाइव कहाँ आएगा थर्टी और फोर्टी के बीच में आएगा वन ऐड कर दिया क्योंकि थर्टी सिक्स हमारे पास वाइट वाली रेडिश है अब इसमें ट्वेंटी रेड वाली रेडिश तो ट्वेंटी फाइव कैसे ऐड करेंगे यहाँ फोर ऐड किया तो फोर्टी पे पहुंच जाएंगे और टेन टेन ऐड करेंगे क्योंकि ट्वेंटी फाइव है, है ना फिर बच गया प्लस वन क्योंकि ट्वेंटी तो फोर ही हुआ फोर प्लस टेन प्लस टेन

चिराग कहता है वाओ वी नीड नॉट काउंट द कैरेट अब हमें कैरेट काउंट करने की जरूरत नहीं है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैरेट कितने हैं अब कैसे करेंगे तो नंदनी ड्रॉज द गिवन प्रॉब्लम अब नंदनी ड्रॉ कैसे करती है ये बड़ा वाला बॉक्स ड्रॉ किया कि टोटल हंड्रेड है ठीक है इस हंड्रेड के अंदर सिक्सटी फाइव तो टमेटोज हैं जैसा उसको याद है लेकिन कैरेट कितनी है तो इसका आंसर है थर्टी फाइव कैसे है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फाइव ओके क्योंकि टेन टेन के बंडल्स हैं सिक्स यहाँ पर तो सिक्सटी फाइव टमाटोज ड्रॉ हो गए अब कैरेट कितने है? चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे 100 हमारे पास टोटल फ्रूट्स हैं जिसमें 65 टोमेटोस हैं यानी 6 10 10 के बंडल्स एंड 5 लूज टोमेटोस अब कैरेट कितना है ये हमें पता करना है तो अभी मैंने आपको आंसर बताया 35 35 कैसे है ये हम आगे देखेंगे अब अभी हम देखते हैं 35 को कैसे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ क्वेश्चन है सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक्स दैट शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट कैरेट को सही से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है तो 35 है कैरट्स यानी 3 बंडल 10 10 के एंड 5 कि 35 कैसे करेक्ट है तो सोल्व दाइन लाइन पे हम इसको करते हैं. तो टोटल हैं हमारे पास 100 fruits, जिसमें तो टोमेटोज हैं। अब कितने बच गए तो देखो 65 से 5 ऐड किया तो 70, 10 ऐड किया तो 80, फिर 10 ऐड किया तो 90 एंड 10 ऐड किया तो 100 यानी कि थर्टी कैरेट्स है हमारे पास तो 65 एंड 35 टोटल हंड्रेड वेजिटेबल ओके यानी 65 और 35 को आप टोटल करोगे तो 100 आ जाएगा और 65 फाइव टेकन आउट फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ हंड्रेड वेजिटेबल्स लीव थर्टी फाइव कैरेट अगर एक बॉक्स है जिसमें 100 वेजिटेबल है उसमें से 65 फाइव टमेटो अगर निकाल लोगे तो कितने गाजर बचेंगे 35 इसका मतलब 100 में से 35 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 65. Next नेक्स्ट है नानी मा आस्क नंदनी एंड चिराग टू pluck द ripe एप्पल्स वो हो सो मेनी एप्पल्स नानी इन दोनों को कहती है कि आप एप्पल्स तोड़ लो इस पेड़ से नंदिनी ने 85 एप्पल तोड़े और चिराग ने 67 एप्पल तोड़े सो लेट अस सी हाउ मेनी टोटल एप्पल्स वी हैव प्लक्ड अब ये दोनों काउंट करने वाले हैं कि टोटल कितने तोड़े इसके लिए वी हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम बिलो अब पहले तो बॉक्स डायग्राम बनाओ फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा बॉक्स बताता है कि टोटल एप्पल कितने हैं अब देखो 80 और 20 ये 100 होता है इसका मतलब टोटल एप्पल हंड्रेड से ज्यादा है क्योंकि एटी फाइव तो नंदिनी ने ही कलेक्ट कर लिए और सिक्सटी सेवन चिराग ने ओके अब चलो काउंट करते हैं तो बंडल्स और स्टिक्स की मदद से एटी फाइव एप्पल को कैसे दिखाया है

बंडल बंडल में में के के बंडल्स होते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर भी देखा था। अब अब कितने बच बच गए? गए। तो 4 तो हमारे पास 10, 10 बच अब loose sticks कितनी है? का एक बंडल और बन जाएगा बचे टू तो टू यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गए तो हाउ मेनी एप्पल्स इन टोटल हंड्रेड का ये बंडल था उसके बाद वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड ट्वेंटी थर्टी वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड फिफ्टी और 2 152 इसका आंसर है तो इसको हम कैसे बड़े बॉक्स में रखेंगे टोटल आ गया 152 इस बड़े बॉक्स के अंदर 85 एप्पल और 67 एप्पल्स प्लेस किए गए हैं ओके अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है हमें तो नंदिनी ने कितने एप्पल तोड़े 85 वो 80 और 90 के बीच में आ जाएगा और चिराग ने तोड़े 67 तो 67 हम कैसे दिखाएंगे 60 प्लस फाइव प्लस टू तो पहले 5 चले जाते हैं तो हम 90 पे पहुंच जाएंगे अब 60 10 10 10 10 10 सिक्स टाइम्स गए तो 60 आ गया 2 और जाना है तो 51 के बाद 2 और गए तो 52 यानी 85 एप्पल्स प्लस 67 एप्पल्स इज इक्वल टू 152 एप्पल 85 और 67 को ऐड करेंगे तो 152 आंसर आ जाएगा अब आपको बताना है कि दोनों में से ज्यादा किसने इकट्ठा किया और कितना ज्यादा इकट्ठा किया तो चिराग ड्रॉज़ अ बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम चिराग ने एक डायग्राम ड्रा किया उससे पहले देखो 85 यहां पर इतनी बड़ी लाइन शो करती है इसमें से 67 यहीं तक आ रहा है तो बाकी का जो ये हिस्सा बचा है वो कितना है उतना ही ज्यादा तोड़ा है नंदनी ने अब कैसे डायग्राम बनाया है वो देख लेते हैं तो नंदनी के एप्पल 85 हैं वो हमने देख लिया 8 10 10 के और 5 लूज अचिराक के 67 है यानी कि 6 10 10 के और 7 लूज अब देखना है कि कितने ज्यादा किए चिराग के पास जितने भी एप्पल है वो नंदिनी में से हम माइनस कर देते हैं ओके तो देखो कैसे किया इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हमने माइनस कर दिए अब बच के टू बंडल्स नंदनी में है ना चिराग के सिंगल कितने हैं 7 है, तो 7 सिंगल 1, 2, 3, 4, 5, तो सिंगल कट करो, ये ही कट हुए हमें तो सेवन सिंगल कट करने हैं, है, है ना तो टू सिंगल और चाहिए लेकिन नंदनी के इसमें टू सिंगल नहीं है दो बचे हैं टेन टेन के बॉक्स तो एक को हम खोल लेते हैं एक को अगर हम ओपन करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 10 स्टिक्स क्योंकि 10 10 का बंडल है इसमें से हमें 2 माइनस करने हैं और तो 2 माइनस कर दिए तो कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास लूज स्टिक्स बच गई और एक हमारे पास 10 का बंडल बच गया यानी कि 18 ज्यादा एप्पल नंदनी के पास है एज कंपेयर टू चिराग ओके नंदनी कलेक्ट्स 18 एप्पल्स मोर देन चिराग

नंबर लाइन का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक एक करके देखते हैं पहला है बबली दीदी सोल्ड बुक्स ऑन मंडे एंड फोर्टी फाइव बुक्स ऑन ट्यूजडे हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन द टू डेज हाउ मेनी मोर डिड शी सेल ऑन ट्यूजडे देन ऑन मंडे तो पहले हमें बॉक्स डायग्राम बनाना है तो एक बड़ा बॉक्स बना लिया जो कि टोटल बुक्स बताएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितनी बुक्स बेची बबली दीदी ने मंडे को 34 बुक बेची ट्यूसडे को 45 बुक बेची ये दो बॉक्स बन गए। अब 34 को को कैसे दिखाएंगे? 3, 10, 10 के के बंडल एंड एंड लूज लूज स्टिक्स, और ट्यूसडे 45 है, यानी स्टिक्स। 10, 10 तो सबसे पहले तो बताना है कि टोटल कितने हैं टोटल आ गया 79 अब कह रहा है कि ट्यूसडे को कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू मंडे इसको हम कैसे करेंगे मंडे को जितने भी है उसको हम ट्यूसडे वाले में से माइनस कर देंगे तो थ्री तो टेन टेन के हैं तो इसको माइनस कर दिया तो कितने बच गए टेन टेन के वन और वन वाले कितने हैं वन टू थ्री फोर हैं तो वन टू थ्री फोर कट कर दिया तो वन बच गया हमारा सिंगल स्टिक यानी कि मंडे से ग्यारह बुक्स ज्यादा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं

अब टोटल काउंट करना है तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी 80, नाइनटी हंड्रेड वन हंड्रेड टेन अब सिंगल काउंट करो वन हंड्रेड इलेवन वन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड थर्टीन वन हंड्रेड फोर्टीन वन हंड्रेड फिफ्टीन वन हंड्रेड सिक्सटीन वन हंड्रेड वन हंड्रेड एटीन वन हंड्रेड नाइनटीन वन हंड्रेड ट्वेंटी एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी वन तो वन हंड्रेड ट्वेंटी वन इसका आंसर हो गया टोटल रन बनाए now let's see the next question rama sells vadas in the school canteen she has sold 39 vadas the first day she sold 12 more the next day rama canteen mein vadas bechti hai tumne bada box total ke liye banaya usme first day usne 39 vadas beche yani 3 10 10 ke bundles aur 9 loose sticks next day usne 12 extra beche to 39 as it is draw करेंगे और टेन का एक बंडल और टू एक्स्ट्रा क्योंकि ट्वेल्व एक्स्ट्रा है तो ये भी ड्रॉ करेंगे अब हमें बताना है कि नेक्स्ट डे टोटल कितना सेल हुआ तो चलिए काउंट करते हैं तो पहले लूज टिक्स काउंट करो टेन इलेवन तो टेन का तो एक बंडल बन जाएगा तो यहाँ फोर्थ थे तो फाइव बंडल्स हो जाएंगे और एक ये लूज टिक्स बच गई है ना तो ये हो गया हमारा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एंड फिफ्टी वन नेक्स्ट डे फिफ्टी वन सेल हुए अब हमें टोटल काउंट करना है तो पहले लूज काउंट कर लेते हैं एंड है इसका भी टेन का एक बंडल बन जाएगा अब टोटल कितने हो गए तो एंड नाइनटी वर्स टोटल दोनों दिनों में सेल हुए ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं अपनी छत के लिए कुछ प्लांट्स लेकर आती है कितने फिफ्टी सिक्स टोटल प्लांट उसमें से उसके पास बचे हैं ट्वेंटी नाइन कुछ प्लांट सूख गए तो हमें बताना है कि कितने प्लांट सूख गए तो टोटल है 56 यानी 5 10 10 के बंडल्स एंड 6 लूज स्टिक्स और बचे कितने हैं 29 यानी 2 10 10 के बंडल्स एंड 9 लूज स्टिक्स तो टोटल में से अगर हम बचे हुए प्लांट को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि कितने सूख गए हैं तो जितने लेफ्ट हैं उतने कट करो टू तो टेन टेन के बंडल है तो टू कट कर दिए अब सिंगल कितने हैं यहाँ पर हमने देखा नाइन है लेकिन इस साइड कितने हैं तो कट कर दिए अभी और कट करने हैं तो ये जो तीन बंडल बचे हैं इनमें से एक को हम ओपन कर देंगे तो ओपन करेंगे तो टेन लूज आ जाएगा है ना तो देखो टेन लूज में से हम थ्री को कट कर देंगे क्योंकि थ्री बचे हैं तो थ्री को कट किया तो कितने बच गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन ये बच गए और टू बंडल्स बच गए ये ठीक है तो 27 इज द आंसर यानी 27 पौधे सूख गए हैं

और 21 के लिए टू टेन का बंडल एंड वन लूज स्टिक्स अब हमें दोनों को ऐड करना है तो टेन ट्वेंटी थर्टी 31, 32, 33, 34, 35 थ्री थर्टी फोर एंड थर्टी यानी कि टोटल पेंसिल कितनी है 36 है नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस प्ले दिस गेम इज टू बी प्लेड बिटवीन टू चिल्ड्रन द फर्स्ट प्लेयर शुड से अ नंबर बिटवीन वन एंड टेन सेकेंड प्लेयर एड अ नंबर बिटवीन वन एंड टेन टू द फर्स्ट प्लेयर्स नंबर द फर्स्ट प्लेयर अगेन एड अ नंबर बिटवीन वन एंड टेन to the previous sum the player to reach 100 first is the winner an example is given here player 1 wins this round प्ले दिस गेम विद यू फ्रेंड्स आपको ये अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना है बहुत ही प्यारा गेम है इसमें दो लोग गेम खेलेंगे एक बच्चा पहले वाला जो होगा वो एक नंबर बताएगा ठीक है दूसरा वाला उसमें कुछ ऐड करेगा जो भी सम होते जाएगा उसमें अगला वाला फिर एक नंबर ऐड करेगा जो सबसे पहले 100 पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा टफ लग रहा है चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने खेला है तो प्लेयर 1 ने नंबर बोला 9 क्योंकि हमें वन और टेन के बीच में ही कोई नंबर बोलना है ठीक है इसमें प्लेयर टू ने टेन ऐड कर दिया तो नाइन और टेन कितना होता है? 19. अब ने 19 में कर दिया तो फोर्टी तो सिक्स तो और फिर प्लेयर टू ने फोर्टी सिक्स में एट कर किया तो फिफ्टी फोर प्लेयर वन ने फिफ्टी फोर में टेन ऐड किया तो सिक्सटी फोर फिर प्लेयर टू ने सिक्सटी फोर में टेन ऐड किया तो सेवेंटी फोर प्लेयर वन ने सेवेंटी फोर में नाइन ऐड किया तो 83 और प्लेयर टू ने 83 में सेवन ऐड किया तो 90 और प्लेयर वन ने 90 में टेन ऐड किया तो आ गया 100 तो प्लेयर वन की बारी में 100 पहले आ गया तो प्लेयर वन जीत गया

150 में से अगर 49 को माइनस करेंगे तो 100 से ज्यादा होगा तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये जो नीचे सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है सॉल्व द एवर प्रॉब्लम्स यूजिंग नंबर लाइन राइट द नंबर्स नेक्स्ट टू द प्रॉब्लम हमें नंबर लाइन के हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करना है तो चलिए पहला देखते हैं 134 में से 56 माइनस करना है तो 134 कहाँ आएगा 130 के बाद 4 है ना तो 134 आ गया अब इसमें से हमें कितने माइनस करने हैं 56 तो 56 माइनस करने के लिए पहले 4 माइनस किया तो 130 पे आ गए अब 5 टाइम्स 10 1 2 3 4 5 और फिर 2 और क्योंकि 54 तो माइनस कर दिए और किया तो 56 हो जाएगा तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे 70 और 8 78 पे पहुंच जाएंगे तो 78 एट सौ से कम है तो लेस देन हंड्रेड से मैच कर देंगे नेक्स्ट है 20 प्लस 41 तो 20 यहाँ है उसमें 41 यानी कि 4 टाइम एंड प्लस तो तो हम पहुंच जाएंगे 61 पे 61 भी लेस देन है है तो इसको यहां से मैच कर देंगे नेक्स्ट ये हमने अभी देखा था वन फिफ्टी में से फोर्टी नाइन माइनस करना है तो वन फिफ्टी ये रहा इसमें से फोर्टी नाइन यानी फोर्टी पहले माइनस करो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड नाइन माइनस करो तो नाइन माइनस किया तो कहाँ आ गए हंड्रेड के बाद प्लस वन 101 वन पे आ गए ये 100 से बड़ा है तो इसको यहाँ मैच करेंगे नेक्स्ट है 199 में से हमें 90 माइनस करना है तो 199 नाइनटी कहाँ आएगा 90 के बाद 9, ठीक है इसमें से हमें 90 माइनस करना है तो फिर नाइन टाइम्स टेन माइनस करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हंड्रेड आ गया अब इधर ये नाइन बच गए हैं है ना क्योंकि इनको हमने माइनस नहीं किया तो हंड्रेड प्लस नाइन वन हंड्रेड नाइन यानी हंड्रेड से बड़ा है तो ऊपर वाले से मैच कर देंगे नेक्स्ट है सेवेंटी प्लस थर्टी प्लस वन तो देखो सेवेंटी यहाँ है इसमें थर्टी टेन 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 ऐड किया और वन ऐड किया तो वन हंड्रेड वन पे आ गए ये भी हंड्रेड से बड़ा है तो ऊपर वाले से ही मैच होगा नेक्स्ट है वन फिफ्टी सिक्स माइनस न, 65 तो 156 कहां आएगा 150 और 6 यानी 156 इसमें से 65 माइनस करना है तो पहले 10 10 माइनस कर दो 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 हम 90 पे पहुंच गए लेकिन हमें 65 5 और माइनस करने हैं तो इधर हमने 6 लाइंस ड्रा की थी इसमें से 5 माइनस कर दी तो 1 बच गया तो आंसर आ गया हमारा 90 इधर और 1 इधर 91 नेक्स्ट है में से हमें ट्वेंटी माइनस करना है तो सिक्सटी और एट यहाँ आ गया सिक्सटी एट और ट्वेंटी सिक्स माइनस करना है तो पहले तो टू टेन माइनस कर दिए तो फोर्टी आ गया और इसमें से एट में से सिक्स माइनस कर दो तो टू आ जाएगा है ना तो फोर्टी और टू फोर्टी नेक्स्ट है हमें इन तीनों को ऐड करना है तो तो 95 ये रहा इसमें 5 ऐड करोगे तो 100 पे पहुंच जाओगे बचा 10, 10 ऐड करोगे तो 110 पे पहुंच जाओगे ये 100 से बड़ा है तो ऊपर वाले से मैच कर देंगे नेक्स्ट है 63 और 26 को ऐड करना है तो 63 थ्री कहाँ आएगा सिक्सटी के बाद थ्री अब 63 से 70 तक जाओगे तो 7 आ गया ठीक है लेकिन हमें 26 जाना है तो 7 ये हो गए 10 10 टू टाइम्स जाओ तो 20 हो गए तो 27 हो गए हमें 26 ही जाना था तो एक बैक आ जाओ तो 90 से एक बैक जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 89 नेक्स्ट है इन तीनों को ऐड करना है तो 120 और प्लस 4 124 फिर 23 ऐड करना है 6 ऐड किया तो 130 पे पहुंच जाओगे आप टेन ऐड किया तो वन फोर्टी पे और सेवन ऐड किया तो वन फोर्टी सेवन पे क्यों क्योंकि टेन सिक्स और सेवन होता है ट्वेंटी थ्री वन फोर्टी सेवन से ट्वेंटी ऐड करो टेन ऐड किया तो वन फिफ्टी सेवन टेन किया तो वन सिक्सटी सेवन तो हंड्रेड से बड़ा है तो ऊपर वाले से मैच कर देंगे सो so इसके साथ हमने चैप्टर नंबर फोर इसको कंप्लीट कर लिया है आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट थैंक यू सो मच